गाइस तो वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है 18 नवंबर 2020 और आज का दिन है वेनसडे। और आज हम एक अच्छी जगह जाने वाले हैं। हम मेरी फ्रेंड ऐशिका के घर जाने वाले हैं और राजमा चावल लेके, हमारे घर के उसे बहुत पसंद है, तो उसके लिए हम स्पेशली मैं और आशी उसको उसके लिए लेके जा रहे हैं। कर रही है पैक उसके लिए राजमा चावल। गाइस एक ट्विस्ट है, हमने उसे बताया नहीं है, एज अ सरप्राइज हम ये लेके जा रहे हैं। बस दुआ करते हैं पोपट ना हो जाए। पोपट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी मम्मी पापा की। देखते हैं, वैसे खाना तो वेस्ट नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो, बस वो घर पर होनी चाहिए। और देखते हैं, आशी दीदी भी रेडी हो गई है बिल्कुल टॉप हीरोइन बन के। अब हम चलते हैं। गाइस वी आर फाइनली एट इशिकास प्लेस, लेट्स मीट हर। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अपग्रेडिंग माय टूल फॉर नाउ। अभी हम जा रहे हैं गोरिल्ला पॉड खरीदने, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है गोरिल्ला पॉड, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी शॉप है अलीगढ़ की जहाँ पे ये ऐसे सामान मिलते हैं फोटोग्राफी और ये सब रिलेटेड। तो अभी हम गोरिल्ला पॉड के लिए मार्केट सर्च करने जा रहे हैं, देखते हैं अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो खाली हाथ ही आ जाएंगे। ऐसे जो हाथ से ब्लॉगिंग करते हैं हाथ करते रहेंगे। आशी वी हैव गॉट समथिंग बढ़िया, देख ये मेरा ट्राइपॉड आया है आज, माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत जोरों शोर से पढ़ाई की जा रही है, ऐसे बच्चा बनना चाहिए आपको, आदर्श बच्चा ये है। इसको खोल के कैमरा लग जाएगा और इसका एक ये है, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे तो फोन लग जाए। हैं ये ऐसे अभी लाए, वो मिला नहीं गोरिल्ला, मिला ही नहीं, लेके आएंगे वो भी बाद में। पर अभी ये सोच रहे हैं अभी इसको यूज करें पहले, फिर करते हैं। अब प्रिंस और दिखा रहे हैं, खोलो खोलो। ये 5 फुट तक लंबा हो सकता है और ये ऊपर से भी हो जाएगा अभी लंबा। हाँ इसके साइज के हिसाब से ये बहुत लाइट वेट है, मतलब ठीक है। तो गाइस मेरे को आज कुछ इतना शूट करने को इतना खास था नहीं मेरे पास, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट वगैरह घूमने में ही निकल गया, तो वहाँ इतनी शूटिंग खैर नहीं हो पाई। इस वजह से हमने सोचा कि डायरेक्ट आप लोगों से बात ही कर ली जाए, और इसमें मैं सोच रही थी कि कुछ ज्ञान बांटा जाए। ज्ञान ये बांटना है कि जिस उम्र में अभी हम लोग चल रहे हैं, बिकॉज अभी ये जो मेरी एज के बच्चे हैं और मैं जिस एज में हूँ, अभी ये करियर डिसाइडिंग एज आप कह सकते हो, तो यहाँ पे अभी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है। अगर वो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे तो मे बी उनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे या फिर लोग क्या सोचेंगे टाइप। तो आई वॉन्ट टू से कि तुम्हें जो करना है अपने मन से करो, अपना जो पैशन है उसे अच्छे से फॉलो करो, और अगर तुम अपने पैशन को प्रूव कर सकते हो तो फॉर श्योर आपके जो रिलेटिव्स और आपके पेरेंट्स, मेन तो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो बाद में ही आपको जज करेंगे, पर जो आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपका साथ देंगे अगर आप प्रूव कर पाते हो तो। और अपनी जो राह है ना उसे पकड़ के चलो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम व्लॉगिंग, अभी मैंने कुछ नहीं सोच रखा, मैं बस व्लॉग कर रही हूँ। तो इसमें फॉर दी मतलब भगवान की कृपा से
जो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, और वो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, जितनी मतलब मैं मांगती भी नहीं हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा वो हेल्प करते हैं, बहुत एनकरेजिंग है। पर आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी जो भी आपका अगर पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको बजाना पसंद है तो आप वो भी परस्यू कर सकते हो। हमेशा मनी मैटर नहीं करती, कुछ आपका दिल भी मैटर करता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप मन से वो चीज़ करोगे और अच्छा से उसमें करोगे, चाहे आपको उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं है पर वो करके आपको दिल में खुशी मिलेगी। पर आप जिस चीज़ पर मेहनत करते हो तो भगवान उस पर फल ज़रूर देता है। तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप मेरी एज ग्रुप के बच्चे हैं तो टेंशन ना लें, अपना पैशन फॉलो करें, और अगर आप मेरी एज ग्रुप के बच्चों के माँ बाप हैं या फिर उनके फ्रेंड्स हैं या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको प्लीज़ सपोर्ट करें और उनकी हेल्प करें। कि करियर वरियर सोचते हैं अच्छी बात है, पर जो तुम्हारा दिल आए उस पर सबसे पहले ध्यान दो, करियर अपने आप बन जाएगा। तो यही मेरा ज्ञान था, जो मेरी थिंकिंग है करियर, अबाउट करियर। तो चीज़ हो, आजकल तो बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा अब जा रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, आर्ट्स, क्राफ्टिंग, वेरियस थिंग्स। और आजकल इंटरनेट ने भी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है इस समय, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इंटरनेट के थ्रू आप बहुत चीज़ें पढ़ सकते हो अगर आपको नॉलेज गेन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा मैसेज यही था आप सबके लिए। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज़ हैं आज के ज्ञान पे, और आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे सही कर सकते हो। और आप भी अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज के ज्ञान में क्या क्या बातें सही लगी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो हेलो गाइज, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। डेट मीन्स कि हमने पूरी हाफ सेंचुरी कर ली है, आपके लवर सपोर्ट से हम इतना आगे आए हैं। तो ऐसे ही आपका लवर सपोर्ट बना रहे और हम जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें। प्लीज़, आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, और प्लीज़ ऐसे ही आगे करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको जैसे ही ब्लॉग डलेगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा पार्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, या फिर ऐसा कोई पार्ट हो जिससे आप लोग रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर मेंशन करिए, और स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और सब लोगों में, रिलेटिव्स में, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। गाइस, एक चीज़ और याद दिलानी थी, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे टेंगल टेल्स को फॉलो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहाँ पर आप जा सकते हो, और वहाँ पर आपको बहुत ही जल्द अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। तो वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, आईडी इन द डिस्क्रिप्शन। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.